Click on the bell icon to watch our latest videos. अच्छा ये बताइए, कहते हैं कि गणेश शिव और शक्ति के पुत्र हैं जी, तो क्या वो पार्वती के पुत्र हैं या शिव के पुत्र हैं? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि मैंने जो स्टोरी सुनी है उसमें ये बोला है कि वो पार्वती के हैं, पर ये भी बोलते हैं कि शिव जी के हैं, तो इसका गणेश जी को अयोनिजा बोलते हैं। अयोनिजा का मतलब है जिनका गर्भ से जन्म नहीं हुआ है। तो उनका जन्म कैसे हुआ? स्टोरी कहते हैं कि एक देवी जाती है शिव जी के पास, शक्ति जाती है शिव जी के पास, मुझे बच्चा चाहिए, आई वांट अ चाइल्ड। तो शिव जी कहते हैं लेकिन मुझे बच्चे की इच्छा नहीं है, और मैं तो अनंत हूँ, आई विल नेवर डाई, तो मुझे पुत्र नहीं चाहिए। लेकिन तो गॉडेस कहती है कि नहीं, मुझे बच्चा चाहिए। तो शिव जी कहते हैं, वो चले जाते हैं। तो शक्ति कहती है, तो बिना शिव बिना नायक मैं एक बच्चे को पैदा करूंगी। अच्छा। तो बिना नायक विनायक, तो वो अपने शरीर के वो हल्दी लगाती है, और हल्दी को अपने शरीर में लगाती है, और जब साफ करती है उस, और वो हल्दी को जब निकालती है, जो हल्दी कलेक्ट होता है, जो स्क्रैपिंग्स कलेक्ट होता है, उससे वो एक डॉल बनाती है, सुंदर सा एक डॉल बनाती है, और उसमें उसने प्राण प्रतिष्ठा करती है, और विनायक का जन्म होता है। और वो विनायक को कहता है कि तुम यू नो मेरे जो गुफा है उसको प्रोटेक्ट कर और सेव कर, और तुम यहाँ पे बैठ। तो शिव जी जब आते हैं तो कहते हैं कि मुझे शक्ति से मिलना है, वो अपनी पत्नी से मिलना चाहते हैं, और वो विनायक को पहचानते नहीं है कि कौन है ये। तो विनायक कहते हैं कोई खबरदार, कोई अंदर नहीं जा सकता है। तो उन दोनों में मतभेद हो जाता है, देयर इज अ वॉर, एक फाइट होता है, और शिव जी अपना त्रिशूल निकाल के उनका सर काट देते हैं, बिकॉज ही इज वेरी पावरफुल। एंड देन शक्ति आके रोने लगती है कि आपने मेरे बेटे को मार डाला। तो शिव जी कहते हैं कहाँ से बेटा आया है? तो अयोनिजा है। उसने कहा कि मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए बच्चा पैदा करने के लिए, आई कैन प्रोड्यूस इट ऑन माई ओन। तो प्रकृति अपना स्ट्रेंथ दिखाती है कि मुझे देवताओं की जरूरत नहीं है, नेचर डज नॉट वॉन्ट गॉड्स, आई कैन क्रिएट चिल्ड्रन ऑन माई ओन, अगर आप नहीं दे रहे हो तो मैं खुद बना लूंगी। लेकिन आपने उसको मारा कैसे? तो वो भड़क जाती है और बहुत ही उग्र रूप लेती है। तो उसको मनाने के लिए शिव जी कहते हैं ठीक है, इसको मैं प्राण प्रतिष्ठा देता हूँ, वापस प्राण दूंगा, लेकिन उसके लिए एक नया सर चाहिए, क्योंकि सर तो मैंने काट दिया है। तो वो अपने गणों से कहते हैं कि तुम जाके जो पहला प्राणी मिलता है उत्तर के दिशा में, उस प्राणी का सर लेके आओ। और वो प्राणी होता है ऐरावत, ऐरावत जो इंद्र का हाथी होता है, और कहता है कि उस सर को लेके आओ और इसके ऊपर डालो। तो वो डालते हैं और प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, और फिर बच्चा पैदा होता है। तो अगर आप देखें तो जो बॉडी है गणेश जी का वो माता से आया है, और जो सर है वो पिता से आया है। तो इसलिए वो शिव के भी बेटे हैं और शक्ति के भी बेटे हैं, दोनों के बेटे हैं। और ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस स्टोरी से शैव परंपरा और शाक्त परंपरा की मिलन होता है। ये दो सेपरेट परंपरा थे और सडनली ज्वाइन होते हैं, क्योंकि गणेश के वजह से दो चीज़ हो रही है। जो उग्र काली है वो गौरी का रूप लेती है, मतलब बहुत ही शांता दुर्गा का रूप लेती है, शी बिकम्स डोमेस्टिक। और शिवजी जो सन्यासी हैं, जो बच्चा नहीं चाहते हैं, वो गृहस्थ बन जाते हैं। सो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है गणेश जी के वजह से। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो आइडिया है, ये इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन हिंदुइज्म, क्योंकि गृहस्थ जीवन के देवता बन जाते हैं वो। देवलोक विद देवदत्त पटनायक सीजन 2 अब एक किताब के रूप में। जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ, अवेलेबल अक्रॉस ऑल डिवाइसेस।